नमस्कार। बाबा साहब अंबेडकर हमारे देश के सबसे महानतम नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उनके जीवन से हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। पूरी दुनिया में उनके करोड़ों करोड़ों फैंस हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं, और उन करोड़ों भक्तों में से एक मैं भी हूँ। मैं बाबा साहब की पूजा करता हूँ। पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके जिस तरह से उन्होंने गरीब दलित लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ा और एक गरीब परिवार से निकल के वो देश के लॉ मिनिस्टर बने और देश का संविधान लिखा। दिसंबर के महीने में उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया था कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पे हम एक बहुत बड़ा शो करेंगे, नाटक करेंगे, जनता को दिखाएंगे, ताकि देश की सारी जनता जो है वो, दिल्ली की सारी जनता जो है वो उससे प्रेरित हो सके। ये नाटक 5 जनवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन उसके बाद ओमिक्रॉन कोरोना की वेव की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा। आज मैं आपके समक्ष ये खुशखबरी देने के लिए आया हूँ कि ये दोबारा 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 25 फरवरी से 12 मार्च तक ये डेली जवाहरलाल स्टेडियम में परफॉर्म किया जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पे शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा शो होगा, सबसे बड़ा नाटक होगा। डेली 2 शो होंगे, 1 4 बजे, 1 7 बजे। ये जनता के लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन सीट्स लिमिटेड हैं, इसलिए आपको पहले से अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी हर शो के लिए। यहां पे टिकट बुक करने के लिए आप इस नंबर पे डायल कर सकते हैं 8800009938, 88 4x0 99 38, या आप लॉग ऑन कर सकते हैं बाबा साहेब musical.in पे और अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का रोल इसमें रोनित बोस रॉय, जो कि एक काफी जाने माने कलाकार हैं, उन्होंने इसका अदा किया है। ये एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट वो है, शो है, जिसमें 100 फुट बड़ा स्टेज है, 100 फुट बड़ा स्टेज और 40 फुट का रिवॉल्विंग स्टेज है उसके ऊपर। तो बहुत बड़ा शो है ये। मैं समझता हूँ कि शायद पूरी दुनिया के अंदर इस स्केल का शो पहली बार किया जा रहा है। तो मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका आप आएं, इसका आनंद उठाएं और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लें। बहुत बहुत शुक्रिया।